एशिया की बुलंदतरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? बचपन में तो बहुत ही फर्क, कोई 4-5 फुट पड़ता था। सर्दियों में ना ये बीच वाला गली है खाली, ये बस छत के ऊपर का बर्फ हटा हटा के बढ़ जाता है। पहले हमारा जमाने में तो सही टाइम बर्फ पड़ता ना, या गर्मियों में बारिश आएंगे, सर्दियों में बर्फ पड़ेगी, तब जाके फसल होगा। खेती तो वही बस जो नंगा जो हरा मटर आलू वही करता है, वही होता है, बाकी नहीं होता है। बचपन में बहुत बर्फ था, इतना बर्फ गिरा है ना, बापरे यहाँ से जाने का बहुत मुश्किल होता है, इतने गिरा। जब बर्फ गिरेगा तो बहुत सारे मटर आएगा, बहुत सारे फसल है ना, जितना भी पड़ेगा ना बहुत अच्छा है, बर्फ नहीं गिरेगा तो बहुत मुश्किल है यहाँ। लेंजोंग और चिल्कर दोनों दुनिया के सबसे ऊंचे आबाद गांव में से एक में रहते हैं, जो हिमाचल प्रदेश इंडिया के जिले सिपती में वाकई है। ये हिमालय पहाड़ी का सबसे ऊंचा सहरा यानी रेगिस्तान है, जो कई लिपिड जानवरों जैसे बर्फानी चीते और हिमालयी भेड़ियों का घर है। इंडिया की ऊंचाई का ये तीसरा हिस्सा तिब्बतन सकाफत की एक नायाब जगह है जो यहाँ बची हुई है। अपनी बका के लिए यहाँ के बसने वाले खानाबदोश मवेशियों पर ही निसार करते हैं। यहाँ के बैल, मवेशी, घोड़े और भेड़ जो इनकी जमीन को जोतते हैं और इनकी रोजी रोटी में मदद करते हैं। इस तरह ये इनकी रूहानी जिंदगी और सकाफत से एक गहरा ताल्लुक बना चुके हैं और इनसे जुड़े हुए हैं। हिमालय के बादलों के साए में वाकई सिपती बिखरी हुई फसल और खुश्क और तल्ख मौसम का शिकार है। यहाँ साल में सिर्फ एक बार ही फसल होती है। हमारे यहाँ बहुत महदूद फसलें हैं, उनमें से एक है जौ, हमारे लिए सबसे अहम फसल है। अगर आप सुबह के नाश्ते को देखते हैं तो जौ है जो कि नाश्ते के लिए होता है। रिवायती तो आखिर दोपहर का खाना भी जौ का ही होता है, और जब पीने की बात आती है तो भी जौ का ही इस्तेमाल होता है। ये काफी मुकद्दस है क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल होता है। सिपती में मौजूद सभी 500 गांव अपने पानी के लिए बर्फबारी पर ही निसार करते हैं। बर्फबारी जो बड़ी तेजी से गैर यकीनी होती जा रही है। गर्म आबोहवा और मौसम ने ग्लेशियर्स को पिघला दिया है, इसने पूरे साल में होने वाली बर्फबारी को भी कम कर दिया है और जमीन के नीचे जमे बर्फ को भी खत्म करना शुरू कर दिया है। ये सब एक ऐसे इलाके में हो रहा है जिसको दुनिया का तीसरा पोल कहा जाता है। पिघलता हुआ ग्लेशियर जून के महीने में लेंजोंग के गांव के बर्फ तक पहुंचता है, लेकिन बीज बोने का मौसम अप्रैल की शुरुआत में ही शुरू हो जाता है, इसलिए गांव वालों ने काफी कारगर सिंचाई का तरीका अपनाया हुआ है। बर्फ मुकद्दस चोटी कनामों से पिघलती हुई आती है, जिसे साल भर कुल्स और छोटे तालाबों में इकट्ठा किया जाता है। गांव वालों ने कुदरत की ढलान से फायदा उठाते हुए क्यारियां और कुछ पिश्ते बनाए हैं ताकि पानी को उसके जरिए नीचे अपने खेतों तक ले जा सके। लेंजोंग और दीगर खवातीन पानी बांटने और सिंचाई की निगरानी करती हैं।
जब कभी भी सर्दियों में बर्फबारी कम होती है तो गर्मियों में हमारे पास पानी भी कम होता है। ये सारे गांव मुकम्मल तौर पर चश्मे के पानी पर मुनस्सर है और चश्मे का दारोमदार खा पर होता है। खा दरअसल एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर एक बुनियाद है और उससे किया एक जखीरा है। अगर बर्फबारी अच्छी होती है तो ये अच्छा खासा जखीरा इकट्ठा कर लेते हैं। हमारी जिंदगी का तो पूरा दारोमदार ही बर्फ पर है। हमारे लिए आसमान से गिरने वाला ये पानी हमारे लिए किसी आब हयात से कम नहीं। हम सिर्फ ग्लेशियर पर थोड़ी निसार करते हैं, हमें बर्फ की भी जरूरत होती है। आज हम जितने भी ग्लेशियर देख रहे हैं वो पहले से काफी कम हो चुके हैं। इस साल फसल होगी या नहीं मुझे इसमें शक है। इस साल यहाँ बहुत कम बर्फ पड़ी है। अगर इस साल गर्मियों में अच्छी बारिश हुई तो हमारी फसल बच जाएगी, लेकिन यहाँ बारिश बहुत कम होती है। 50 सालों में तो काफी बदलाव तो हुआ। अब रोड निकाला, हर मटर आया। अब तो लोग जिम्मेदार लोग, इनके पास जो चलता जमीन है, अब तो हरा मटर बीज करके लाखों कमाता है। मटर सिपती वादी के लिए सब्स इनकलाब है, लेकिन इसको रिवायती जौ और काले चने के मुकाबले में ज्यादा पानी की जरूरत होती है। फिर से जौ उगाने की जरूरत नहीं है, आप मटर के साथ भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जो ओम लसु मणिपुर में बोलते हैं तो जैसे जिस कीड़ा होते हैं ध्यान ऐसे देते कि जो मेरे हाथ से जो कीड़ा मोड़ी मर जाए उसको वो मिले, शांति मिले। ओम मन पे मैं हूँ। जैसे या वगैरह भी तो औरतें ज़्यादा या लोगों को भी तो जिस दिन थकावट वो दूर हो जाता है। लहसुन मन पे मैं बोने के बाद या कर थकावट दूर रहते हैं। सर्दियों में तो भरम नहीं पड़े ना, हफ्ते पहले बर्फ पड़ा, ठीक पड़ा है तो लोग अभी बिजनेस शुरू कर रहे हैं। बर्फ का तो उम्मीद छोड़ दिया, अब गर्मियों में हमारा बारिश की उम्मीद है। बारिश आ जाए तो फिर फसल ठीक आ जाए ना, तो ये बिजाई वैसे हो जाइए। हिमाचल में हिमालय पर जमी हुई बर्फ 2020 तक 18% कम हो चुकी है। 2021 में लाहौल और स्पीति में भी सिर्फ 96 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई, जो पिछले 10 सालों में सबसे कम दर्ज की गई है। आप पाशी का पुराना तरीका, जो कि बर्फबारी पर मुनहसर है, अब काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आप स्पीति गांव के रहने वाले रूहानी रहनुमाओं और दुआओं की तरफ रुझू कर रहे हैं। 2021 में बारिश के लिए बड़े राहबों को दुआ की दरख्वास्त की गई, ताकि इस साल की फसल को बचाया जा सके। रहा बनने का सिलसिला तर्क कर दिया, तभी से मैं की इबादत का हमें लामा बनकर रहा। मेरी पूरी 90 साल जिंदगी में मैंने इतनी कम बर्फबारी कभी नहीं देखी। ये साल बर्फबारी के लिए बहुत ज्यादा खराब था। इससे पहले हमें बर्फबारी के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लगातार बर्फबारी हो जाया करती थी। लेकिन आजकल कम बर्फबारी की वजह से हम दुआ करते हैं कि बर्फबारी हो जाए। तो कहता है हाँ बर्फ ना आए, बरस नहीं आए, उसी साल तो बस पूजा ही पूजा, तन मना देखा के बर्फ भी नहीं आया तो तना बना करके थोड़े आएंगे। लोगों का बहन है ना, मैंने वहां से नहीं आ रहे बोलते, वहां जाके कुछ तना मना करता है फिर थोड़ा पानी नीचे आ जाए, फिर वहां से नहीं आने, क्योंकि मिट्टी रेतीली जगह है, पानी वहीं रेत खा लेता है। तना मना करके थोड़े पानी आएंगे,
स्पिति के 500 किलोमीटर मगरिब में लद्दाख और कराकरम के इलाके से जांस्कर नाम की वादी है। ये एक और बुलंद पहाड़ी है जो हिमालय की वादियों में फैला हुआ है। जोग्राफियाई तहजीब के लिहाज से स्पिति जैसा ही है, लेकिन इसकी आबो हवा और भी ज्यादा खराब है। जांस्कर को पानी के बदतरीन बहरान का सामना है। साल 2000 में हिमालय की पहाड़ी से ग्लेशियर हिंदू कश ने अपने एक चोटी के हिस्से को एक साल से भी कम अरसे में खो दिया, जो पिछले दो दहाइयों के वक्त से भी दोगुना तेजी से 2014 तक जांस्कर के 800 से ज्यादा ग्लेशियर्स का जायजा लिया गया, जिससे पता लगा कि इन सब ने अपने असल वजन का 13% हिस्सा खो दिया है। मेरी जिंदगी में ग्लेशियर्स का सीधा असर रहा है। मैं स्तोकदी नाम के गांव से हूँ और ये आपके पास मौजूद मिसालों की फहरिस्त में सबसे अव्वल नंबर पर आता है, जहाँ पानी की काफी किल्लत है। जितने भी देहात आपको यहाँ मिलेंगे, ये सारे के सारे ग्लेशियर्स पिघलने के ऊपर मुनहसर है। फसल के दिनों में हमें पानी की जरूरत होती है और एक दिन में ग्लेशियर्स से पिघलता हुआ पानी जो गांव के अंदर तक आता है, उसे 7 फैमिलीज आपस में बांटते हैं। लद्दाख की सबसे मशहूर कहावत शायद यही होगी, छू मेत नायोल मेत। अगर आपके पास पानी नहीं है तो आपका कोई इंतजाम नहीं है। संस्कार के लोगों का पूरा इन्हेसार खेती पर है। इससे बढ़कर ये कि ये गैर इंसानी तहसीब है। हम खाना बदोश तबके के लोग हैं। हम अपने मवेशियों को गर्मियों में पाला इलाकों में ले जाते हैं, फिर बरसात के मौसम में उन्हें वापस नीचे ले आते हैं और फिर तकरीबन आधे साल उनकी देखभाल करते हैं। हम तहकीकी नजर से ग्लेशियर्स को गायब होते हुए देख सकते हैं कि ये कैसे अपना इलाका और जिसामत खोते जा रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई मंसूबा नहीं है जिससे हम इन ग्लेशियर्स को पिघलने से महफूज रख सकें। साइंसदानों को जांस्कर और स्पिति में तेजी से पिघलते ग्लेशियर और इनकी पिघलने की मकदार से मौसमी तब्दीलियों का सबूत मिलता है। स्पिति और लद्दाख के करीब लाहौर में वाकई छोटा शिगरी ग्लेशियर हिमालय की चोटी का एक ऐसा ग्लेशियर है जिस पर सबसे ज्यादा तहकीक की गई। मैंने 2008 में आते ही इस ग्लेशियर का मुताला शुरू किया था। मेरे ख्याल में तब से मैंने 39 से ज्यादा छोटे सफर इख्तियार किए हैं। ऐसा लगता है जैसे ग्लेशियर हमें बुला रहे हो, क्योंकि उनके नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं और पानी के मंबे जिनका हम मुताला कर रहे हैं वो निचले हिस्से के लोगों के लिए काफी अहम है। बुनियादी तौर पर ग्लेशियर बर्फ का एक जखीरा है, यानी जमा हुआ पानी। सर्दियों के दौरान ये बर्फ जमा होती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ग्लेशियर पर आने वाली बर्फ की मकदार सालाना पैमाने पर गर्मियों के मौसम पर पिघलेगी। असल में ये हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा पैमाने पर स्या कार्बन फिजा में छोड़ रहे हैं और ये दर हकीकत आलमी सतह पर दर्जे हरारत में इजाफा कर रहा है और ये ग्लेशियर को अपनी जिसामत खोने पर मजबूर कर रहा है। हम दोबारा से छोटा शिगरी ग्लेशियर का मुशाहिदा कर रहे हैं और हर साल हम इसकी चोटी को देखते हैं और हर साल हम इस चोटी के कम होने की औसत शरह देखते हैं। आखिरी 18 साल में ये कमी 11 मीटर फी साल है। इसका मतलब है हर साल ये चोटी 11 मीटर कम हो जाती है। सब मटर के लिए मशहूर है। यहाँ के मटर काफी अच्छे और मीठे होते हैं।
इस साल बुआई में ताखीर हुई क्योंकि हमारे यहाँ सर्दियों में बर्फबारी ही नहीं हुई। बर्फबारी जनवरी दिसंबर और फरवरी में होनी चाहिए और बारिश जून और जुलाई में। फिर हरे मटर की कटाई का मौसम अगस्त में शुरू हो जाता है। पैदावार तसल्ली बख्श नहीं हुई, ये बहुत कम पैदावार है, मामूल की मकदार से सिर्फ निसफ है। वो खेत जिसमें आमतौर पर 10 बोरियों की पैदावार होती थी, इस साल सिर्फ 5 से 7 बोरियों की पैदावार हुई है, जो सिर्फ आधी है। तवक्को है, कभी कभी भारी बर्फबारी होती है और कई बार बहुत कम। ये जरूर ग्लोबल वार्मिंग ही का असर है। पिछले साल अच्छी बर्फबारी हुई थी, इस साल न सिर्फ बर्फबारी कम हुई बल्कि सर्दियां भी नहीं पड़ी। सर्दी भी पहले के मुकाबले में काफी कम है। ऐसी मौसमी तब्दीलियां हमें ठीक नहीं लगती। एक्चुअली हम लोग बर्फ़ का उम्मीद करते हैं दिसंबर में पड़ जाए, ताकि वो जो बर्फ़ पड़ते हैं वो बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसकी वजह से हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन तक पानी रहता है। पर एक्चुअली इस साल बर्फ़ पड़ी मार्च में, तो उस टाइम तो टेम्परेचर गर्म हो जाता है और बर्फ़ एकदम पानी बन के ऊपर से निकल जाता है और ज़मीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे जो चश्मे के पानी थे उसमें कमी होते हैं। यहाँ पे मेरे एक पड़ोस में रहते हैं, उनके पास 4 खेत है, तो इस साल बर्फ़ नहीं पड़े तो उन्होंने खेत बीजा ही नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में एक रूल है कि बड़ा घर छोटा घर, जो बड़े घर के पास पानी होगा तो एक दिन सिंचाई करेंगे, एक दिन आराम करेंगे, फिर एक दिन सिंचाई करेंगे, ऐसा है। बड़ा घर का छोटा घर का ऐसा है कि 2 दिन आराम करेंगे, तीसरे दिन जाके सिंचाई करेंगे। और एक ऐसा भी फैमिली मेम्बर है जिनके पास पानी है नहीं, बिल्कुल ही ज़मीन है उनके पूर्वज के पर उनके पास पानी नहीं है। ये सारे पानी की वजह से रख दिया, ये लैंड पूरा फिर पड़ी भी है। पहले पहले तो साल में आते समय तो पूरा खेत लगाते है, मटर होते है, आलू होते है, गोभी होते है। अब यहाँ के बहुत साल हो गया, 6-7-8 साल हो गए, और नीचे वाले खेत तो बिल्कुल ही नहीं लगाए, खाद ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ से नीचे तो पूरा बिल्कुल ही नहीं लगाए ना। अच्छा, आधा यहाँ से लेके ओ परे से ओ परे 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 तक। अच्छा, अब यहाँ से नीचे तो बिल्कुल ही नहीं ले ना पानी, पूरे ऐसे जमीन खाली पड़ा है पानी की वजह से। ये चोर लोगों का तो बहुत मुश्किल होता है जी, फिर ये घास कम नहीं हो तो घास खरीदना पड़ता है, इस साल तो गुजार भी नहीं है जी। जो गर्मियों में कमाता है वो सर्दियों में तो खाता है, फिर पानी नहीं आएगा तो फिर हमारे को तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर तो कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा ना, फिर शायद इधर उधर से काम ढूंढना पड़ेगा, लेबर का काम। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ दें, फसल के बिना यहाँ कुछ नहीं। हमारी आमदनी का वही जरिया काश्तकारी है, हम मुकम्मल तौर पर उसी पर इन्हसार करते हैं। हम घोड़े पालते हैं और उन्हें बेचते हैं, लेकिन ये पेशा भी अब दम तोड़ चुका है। इस इलाके में मेरा सबसे बड़ा डर ये भी है कि हिमालय की इस पट्टी में संस्कार जैसे ज्यादातर इलाकों को आने वाले सालों में तब्दील करना पड़ेगा। शायद अगले 20 से 30 सालों में हम मौसमियाती तब्दीली की कैद में हों। लेकिन नकल मकानी शुरू हो चुकी है। एक दिहाई पहले जांस्कर में क्यूबी के गांव का पानी खुश्क होता देखकर लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए थे। अगली 3 दिहाइयों में मौसमियाती तब्दीली 2 करोड़ लोगों को उनके घर छोड़ने पर मजबूर कर देगी।
मैं ऊपर क्यूमिक में रहता था। पानी की कमी की वजह से हुकूमत ने हमें निचली क्यूमिक में जमीन मुहैया की, लेकिन यहाँ आने के बाद भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें यहाँ मुंतकिल हुए 20 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। माजी में मेरे दादा दादी और वालदैन ने भी पानी की नहरें बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की। हमने हुकूमत को मशवरा भी दिया। हुकूमत कहती है कि इनके पास हमारे लिए मंसूबे हैं, लेकिन हमें न सड़कें मिली हैं न पानी, और हम अपने इंतजाम खुद कर रहे हैं। हिमालय खित्ते में लोगों का ऐसा मानना है कि वो रूहों और पानी की रूह पर यकीन करते हैं। वो शायद सबसे पहले है। रूहों पर ये यकीन और हिमालय पट्टी में हमारा तर्ज अमल दरहकीकत यहाँ नाजुक माहौलियाती निज़ाम और महफूज करने के लिए है जो हमारे पास काफी कम है। सालों की तरक्की और हुकूमती मदाखलत के बाद भी जिस चीज को वो तवज्जो नहीं दे सके, क्या यही रवैया है जिसने हमें सख्त हालात में जिंदा रहने पर मजबूर किया है? और ये देखना अफसोसनाक है, क्योंकि बिलाखिर इसका असर बराह रास्त लोगों की जिंदगियों पर पड़ेगा जो हिमालयी इलाके में रहते हैं, और जंगली जानवर और यहाँ का पानी, इन सब पर यकसा असर होने वाला है। यहाँ रहने वालों का तजर्बा और यहाँ का रहन सहन मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं, खास तौर पर अलग थलग इलाकों में। लेकिन जदीद दुनिया की तरफ से बाज औकात रिवायती तौर तरीकों अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, जिसके नतीजे काफी खतरनाक निकलते हैं। तो चमोली के हादसे में क्या हुआ? एक चोटी है जिसे रोंती चोटी कहते हैं। इस चोटी के बिल्कुल नीचे वहाँ एक लटकता हुआ ग्लेशियर था, और वो ग्लेशियर अपनी बुनियाद के साथ ही फिसल गया और यहाँ वादी में नीचे आ गया। वादी की जमीन से टकरा गया, और इसके असर से जारी होने वाली तवानाई हिरोशिमा बम से 15 गुना ज्यादा थी। चमोली के हादसे में 200 से ज्यादा लोग मर गए। ये मौसमियाती तब्दीली की आफात में से सिर्फ एक तबाही थी जिसने हिमालयी इलाकों को मुतासिर किया। पिघलने वाला परमाफ्रोस्ट, जमीन का फिसलना और बर्फीले तूफान, पिघलते हुए ग्लेशियर से सैकड़ों नाहमवार झीलें बन जाती हैं जो कि मलबों के जमा होने से फट सकती हैं। और नीचे की वादी करना इदारे ने ये सारे मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। तंजीम का मकसद हिमालय और इसके गिर्दोनवाह के खुश्क देहातों में शफाफ और पायदार पानी के सामान पैदा करना है। उनके पायलट प्रोजेक्ट का मकसद विश्व के ऊपरी जखायर तक सोलर पावर पंप के जरिए चलने वाले पंप्स का इस्तेमाल करते हुए पानी पहुंचाना था। इनिशियली हमने सोचा था कि स्प्रिंग से लेके सीधा जिंक जो अपर रिजर्वायर है वहाँ तक के लिए हम पानी ले जाएंगे, लेकिन वहाँ तक हमारे बजट के हिसाब से काफी एक्सीड हो रहा था, तो हमने सोचा कि एटलीस्ट गांव तक ले जाते हैं। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत से लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जोड़ा गया, और इसके जरिए अब तक $7,000 तक की रकम जमा की जा चुकी है। Thank you.
इसके अलावा हमें पानी मिलने के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। ये मसला इतना बड़ा है कि यहाँ की मैं मुंह भी नहीं धो सकती। अभी भी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जिंक गोगमा के होस को देखें, अगर ये कामयाब हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, तब मैं तिरछन डांस करूंगी। इस पायदार पानी की छोटी सी कामयाबी मुस्तकबिल को यकीनी बनाने की उम्मीद को जाहिर करती है। एक दूसरे की इज्तिमाई मदद से नई ताकत की जान। ये एक ऐसी कहानी है जो दूसरे गांव को मुतासर कर सकती है और इनके अंदर एक आग पैदा कर सकती है, और फिर हम चाहेंगे कि ये आग बढ़ती ही जाए और हिमालय में हर जगह फैल जाए। वक्फे से पहले आप बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे थे। बामे अर्ज की बाजगश्त का ये खूबसूरत सिलसिला है और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था नो वाटर नो विलेज। जो बुनियादी तौर पे लद्दाख की कहावत है कि जहाँ पानी नहीं वहाँ आबादी नहीं, और ये बहुत बड़ी हकीकत है। मेरे साथ इस वक्त मुनमुन ढलेरिया हैं जो कि फिल्म मेकर हैं। इस खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री फिल्म को इन्होंने प्रोड्यूस किया है, और इसके अलावा मेरे पास लॉबजंग हैं जो कि वाटर के हवाले से पानी और इन तमाम मामलात पे एक एक्सपर्ट की हैसियत रखते हैं। सबसे पहले मुनमुन ढलेरिया, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने बहुत ही खूबसूरत ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, और हिमाचल प्रदेश जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और हमें वो खूबसूरत जो पहाड़ हैं वो दिखाने का बहुत शुक्रिया। लेकिन उसके साथ ऑफ कोर्स एक ट्रेजेडी जुड़ी हुई है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो हकायक हैं उनसे पर्दा उठाया है। और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जो आपने ग्लेशियर्स के बारे में बताया है कि एनुअल सालाना 11 मीटर तक सुकड़ रहे हैं, और 2050 तक एक पैटर्न आपने बताया है कि सैलाब और फ्लड्स होंगे, और उसके बाद शदीद जो खुश्क साली है वो मुतवक्के है। तो इस वक्त आबादी, यानी उस वक्त 2050 तक तो पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, तो कराकरम और हिमालय के जो बुलंद पहाड़ हैं, क्या इन मतलब सिर्फ इंसान वहाँ मुतासर तो नहीं होगा? इन आफतों का, इन मसाइब का जो शिकार है वो बराह रास्त मैदानी इलाके या नीचे जो प्लेन्स हैं वो भी होंगे, तो क्या ऐसा ही है 2050 के बाद? आप क्या देख रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें यहाँ बुलाने के लिए और हमारी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन करने के लिए। हाँ, ये जो साइंटिफिक एविडेंस जो हमने फिल्म के थ्रू पेश किया है वो बहुत ही वर्ल्ड में माना गया है। जो हमारी फिल्म में आप देख सकते हैं, फारूक आजम जी हैं जो एक IIT इंस्टीट्यूट के ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पिछले 10-15 मुतासर हो रहे हैं। अब आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद देखा गया कि जो वाटर चैनल्स हैं जो बड़ी मुश्किल से लाए गए, कहीं मतलब जो हमारे आबाओ अजदाद थे, फोर फादर्स थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से वो वाटर चैनल्स लाए, उनके अंदर अब पानी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है दास, यानी वो जो बंजर, तो हम बंजर से जरखेजी की जानेब, और फिर हमारा सफ़र जो है वो वापस उसी तरफ जा रहा है, दास की तरफ। जी हाँ, पहले तो शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। और जी, आपका जो आपने अभी सवाल पूछा वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक साइक्लिक तरीके से हम इसको देख सकते हैं। पहले जब यहाँ पे आबादी हुई थी हिमालयन रीजन में, एक फ्रजाइल इकोसिस्टम बोलते हैं जिसको, कि बहुत नाजुक होता है, तो जो बैलेंस आप अपने वाइल्ड लाइफ के साथ होते हैं या पानी के साथ, ग्लेशियर्स के साथ या वादियों के साथ, जो हम बैलेंस जो रिलेशनशिप शेयर करते हैं वो बहुत ही नाजुक होते थे। तो उसमें उस मुश्किलियात में जो उन्होंने बंजर जमीन को फसल उगाना शुरू किया, तब से ये आबादी जो है हिमालय रीजन में उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि एक लिमिटेड लैंड या रिसोर्स होता था तो उसी को बांटना पड़ता था, और जो बांटते थे वो एक सिस्टम होता, हर विलेज में आप, हर गांव में एक अलग सिस्टम होगा, जिस इलाकों में छोटे विलेज होंगे या छोटे गांव होंगे उसमें तो पानी ज्यादा होता है, फिर जहाँ पे ज्यादा होते हैं और पानी का मुश्किल होता है तो उसमें एक सिस्टम से बांटते हैं। ये बताइए कि जिस तरह लद्दाख है और हिमाचल है, इसी तरह पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान है, तो क्योंकि ये दुनिया के बुलंद तरीन एक पहाड़ हैं, रेंजेस हैं, तो यहाँ पे आबादी जो है वो नीचे वैलीज में होती है, और वो भी बहुत लिमिटेड, और लैंड जो है वो ऑलरेडी बहुत
यानी कम है, जिसमें से आपने मैक्सिमम यील्ड निकालनी है। पानी का अगर क्राइसिस होते हैं तो ऑफकोर्स क्राप्स जो हैं उनके साथ लाइफ जो है वो बराह रास्त जुड़ी हुई है, और वो अगर मुतासर होती है तो आपने एक टर्म इस्तेमाल की है इस डॉक्यूमेंट्री में, क्लाइमेट रेफ्यूजी, यानी आपको फिर माइग्रेट करना पड़ता है। तो एक माइग्रेशन का पैटर्न आप, यानी वो स्टार्ट हो गया है, आप देख रही हैं कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं पूरे दुनिया में। इट्स वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल कम्युनिटीज जो मैंने जिंदगी में कभी भी देखी है, वो होंगी इन अपर ऑल्टीट्यूड विलेजेस में। कोई भी चीज वहां वेस्ट नहीं होती, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता, पानी खाद सब कुछ एक साइक्लिकल मैनर में रहती है। सो आई थिंक जब ये अगर ये पूरा बैलेंस हम अभी ठीक करने ही लगे थे और अगर वो ऑलरेडी टूट जाए तो ऑब्वियसली काफी प्रॉब्लम्स देखी जाएंगी। तो हायर ऑल्टीट्यूड्स ऑफकोर्स एक तो एक इक्विटी की तरफ से भी प्रॉब्लम है कि वहाँ जिन लोगों ने सबसे सस्टेनेबली अपने जीवन जिया है वो सबसे ज्यादा अब बेयर कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम्स। दूसरी बात यह है कि बाकी हिमालयन रीजन, वेस्टर्न हिमालयन स्टेट्स में अगर देखा जाए इंडिया में, जैसे मैं हिमाचल से हूँ, जैसे उत्तराखंड भी, यहाँ पलायन बहुत देखा जा रहा है, माइग्रेशन बहुत ज्यादा देखा जा रहा है और पिछले 10-15-20 सालों से देखा जा रहा है। सारे लोग यहाँ काम की तलाश में दिल्ली वगैरह शहरों में जाते हैं। एग्रीकल्चर, आई मीन हमारा जो स्टेट है वो 90% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और अभी हम परसेंटेज में देखें तो उत्तराखंड में मैंने अभी देखा कि 40% माइग्रेट हो चुके हैं लोग शहरों की तरफ, क्योंकि एग्रीकल्चर अब 40%, so 40 lakh of that population has moved. हिमाचल में इतनी बार स्टडीज हुई नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स जो अपर ऑल्टीट्यूड के लोग हैं वो अब नीचे आएंगे अगर उनको इतनी सी भी आमदनी वहां रह के नहीं मिल रही है। और बाकी हिमाचल में भी पानी का सोर्स इतना खत्म हो गया है कि एग्रीकल्चर पे फुली डिपेंडेंट रहना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया मुनमुन डलेरिया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये फिल्म जो है आपने बनाई, और इसके अलावा जो लॉबजंग हैं उन्होंने हमारी मालूमात में बहुत ज़बरदस्त किस्म का इजाफा किया। ग्लेशियर्स वाकई सुकड़ रहे हैं और जो हाई माउंटेंस हैं, बुलंद पहाड़ हैं, वहाँ पे ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, और ये तमाम हकायक जो हैं ये हमें बाम अर्ज़ की बाज़गश से मालूम हो रहे हैं, और इस हवाले से हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के इकदाम उठाने की ज़रूरत है, ना सिर्फ कम्यूनिटी की सतह पर बल्कि गवर्नमेंट जो है, जहाँ तक हुकूमत है वो भी इसमें बहुत अहम किरदार जो है उसका सामने नज़र आ रहा है कि वो उसका वो किरदार जब तक नहीं होगा तो ये जो ज़िंदगी है बुलंद पहाड़ों में ये मुतासर होगी, और उसके बाद जो पैटर्न बहुत ही वाज़ तौर पर नज़र आ रहा है, जिस तरह की इस डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि 2050 के बाद एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल नज़र आ रही है, और नीचे जो मैदान है, नीचे जो शहरी, यानी तमाम वो दरियाओं पर जो आबादी है, जो जिसका इनसार उन दरियाओं पर है, वो बराह रास्त मुतासर होगी। बाम अर्ज़ की जो बाज़गश्त है, इस सिलसिले की जो अगली कड़ी है वो बहुत ही दिलचस्प है, और ये बिल्कुल बराह रास्त उसका हमारे साथ ताल्लुक है, और वो है स्मोग इन लाहौर। लाहौर जो है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मोग के हवाले से, और जो पोल्यूशन है, फ़िज़ाई आलूदगी है, उसके हवाले से दुनिया में इस वक्त पहले नंबर पे आ रहा है। इस सिलसिले में बाम अर्ज़ की जो बाज़गश्त है उसके माहरीन हमें क्या बताते हैं, इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, तो इस सिलसिले में ये बहुत ही एक अहम मालूमाती डॉक्यूमेंट्री होगी, तो उस मालूमाती डॉक्यूमेंट्री तक, स्मोग इन लाहौर की जो डॉक्यूमेंट्री है, उस वक्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।